माननीय मंत्री आदित्यनाथ योगी जी और योग गुरु स्वामी रामदेव जी जोरदार तालियों से स्वागत। बोल बाबा मस्तनाथ महाराज की। पांच राज्यों में चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे चुनावी समर में उतर चुके हैं और हर चुनाव प्रचार में बीजेपी के जिस नेता की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु किसी भी प्रदेश में चुनाव हो तो योगी बीजेपी की सबसे पहली पसंद होते हैं। पांच राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है तो सीएम योगी भी चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं और उतरते ही योगी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के जाति पॉलिटिक्स वाले प्लान के सामने सनातन की डोर थाम ली है। सीएम योगी हरियाणा के रोहतक पहुंचे थे, कार्यक्रम धार्मिक था। बाबा मस्तनाथ मठ में देश भर से आए संतों की भीड़ आई थी, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर सीएम ने सनातन की ताकत को देश भर के सामने रख दिया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन शांति सिर्फ भारत और सनातन धर्म में है। विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। यही कारण है जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है तो संकट के समय हर देश, हर धर्मावलंबी, दुनिया का हर पीड़ित मानव भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है, उसे विश्वास है भारत ही फिर से उसके लिए आस बनेगा, भारत ही फिर से एक विश्वास बनेगा। और भारत की आस और विश्वास के साथ जब भारत की 140 करोड़ की आबादी जुड़ती है तो यह दुनिया की एक ताकत बनती है, दुनिया की एक ताकत। उस ताकत के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आज का यह समारोह उसी अभियान को मजबूती प्रदान करने का एक अभियान है। अपने संबोधन में इजराइल हमास के बीच युद्ध और फिलिस्तीन से तनाव का नाम सीएम योगी ने सीधे तौर पर तो नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म और भारत ही है। विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। यानी बीजेपी के नेताओं के हाल ही में दिए गए बयानों को देखें तो सनातन का जिक्र बार बार आ रहा है, जिससे ये साफ हो रहा है कि चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, बीजेपी सनातन के जरिए विपक्षी गठबंधन की हर रणनीति का जवाब देने वाली है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।